नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, एक बार फिर से पालघर जिले में मानसून सक्रिय है। कल रात से लगातार बारिश पालघर जिले में हो रही है और खासकर वसई विरार में भारी बारिश कल रात से हुई है। इसी बीच वसई के सातीवली से एक हादसा सामने आया। सातीवली में एक घर के ऊपर झाड़, एक बड़ा सा झाड़ एक घर के ऊपर गिर गया। जो जानकारी सामने आई है वो जानकारी ऐसी है कि सातीवली के तुंगारपाटा अंतर्गत शेल्टर होटल के पास में एक आदिवासी महिला जिनका नाम बिस्तरी केशव पांड्रा बताया गया है, उनके घर पे ये झाड़ गिरा है। हालांकि इस झाड़ के गिरने से किसी तरह की जीवित हानि नहीं हुई, जीव हानि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद में प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और कहीं ना कहीं जो फिर से एक बार मानसून सक्रिय हुआ और प्रशासन ने जो अलर्ट जारी किया हुआ है उस आधार पर हमें फिर से सचेत रहने की आवश्यकता है। आने वाले एक दो दिनों में फिर से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी तरफ से आह्वान किया है कि बिना वजह घर से बाहर न निकले और बिना काम बाहर न जाए। हालांकि आज मुहर्रम होने से छुट्टी थी तो अक्सर लोग घरों में ही थे और आज के दिन में बारिश रुका भी है, दिन के समय में बारिश रुक भी गया, लेकिन तब भी अभी भी अलर्ट पर है और इस तरह से मानसून जो है पूरी सक्रियता से भी जारी है। आने वाले एक दो दिनों में फिर से हमको भारी बारिश दिखाई दे सकती है। तो ये हादसे की खबर हम आपको बता रहे थे। ये हादसा सामने आया वसई के सातीवली से। इसी तरह चैनल की खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।